वेलकम दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी ज्ञान में। दोस्तों एक और भर्ती यहाँ पे निकल कर सामने आ गई है, हेडक्वार्टर बंगाल इंजीनियर ग्रुप सेंटर। जो भर्ती आई थी पहले, जिसकी जो डेट अभी चेंज हो चुकी है, जो अभी लेटेस्ट जो इसकी डेट आ चुकी है, यहाँ पे 19 जून को ये लेटर इशू हुआ है, जो आपको हम दिखाएंगे कि ये भर्ती कब चेंज हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट रैली अंडर अंडर यूनिट हेडक्वार्टर कोटा एट बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर रुड़की वेब 26 जुलाई। मतलब ये जो भर्ती थी पहले, ये 2 जुलाई के या 12 जुलाई को हो रही थी, लेकिन अब इस डेट में चेंज आ गया, ये 26 जुलाई को भर्ती होगी। यहाँ पे देख सकते हो, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा रिक्रूटमेंट रैली अंडर ब्रिक सेंटर रुड़की एंड सोल्जर जीडी ट्रेड्समैन सोल्जर क्लर्क एसकेटी एंड इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्समैन कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे ऑल इंडिया म्यूजिकल शेड्यूल बाय रैली 2021, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाएंगे अगली जो जानकारी, कब कब किसकी भर्ती। यहाँ पे पहले जो 26 जुलाई को और 27 जुलाई को, यहाँ पे देख सकते हो हरियाणा J&K लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश की जो भर्ती अभी 26 जुलाई को, ठीक है। जो भी बच्चे ये नए जो शेड्यूल आया ये देख लीजिए, क्योंकि पुराना शेड्यूल जो वो पोस्टपोन हो चुका है। 27 जुलाई को जो भर्ती होगी वो ओनली पंजाब की होगी। 29 जुलाई को उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली की होगी। 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश की होगी, और 2 अगस्त को कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड एनी बैलेंस स्टेट की ये भर्ती होगी। यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन की भर्ती है उसमें काफ़ी चेंजेस आई हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो, 3 अगस्त को जो स्पोर्ट्समैन की भर्ती है ये ऑल इंडिया स्टेट की है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑल इंडिया स्टेट की ये भर्ती है। यहाँ पे हॉकी, बास्केटबॉल, जो भी जिनके पास सर्टिफिकेट है वो लेके आए। और एक और खुशखबरी ये है कि ओपन रैली पर्सन ऑफ द टैलेंट म्यूजिकल, जिसमें टैलेंट है वो ऑल इंडिया के सभी बच्चे यहाँ पे भर्ती देख सकते हैं। उम्र में यहाँ पे जो पहली जो लिस्ट आई थी उसमें लिखा गया था कि जैसे जुलाई को भर्ती शुरू होगी तो उसी दिन से आपको उम्र में लिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब फिर चेंज हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो सोल्जर जीडी की जो एज है वो 1 अक्टूबर से लेके 1 अप्रैल 2004 तक है, ठीक है। जो पहले शेड्यूल था उसमें थोड़ा चेंजेस था। यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल की जो है वो 1 अक्टूबर 1998 से लेके 2004, मतलब लग रहा है कि इसमें आप जो भी बच्चे जाएंगे हो सकता है कि आपको एज में थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। यहाँ पे प्योरिटी देख सकते हैं किस किस रेजिमेंट को किसको प्योरिटी है, लेकिन बता दूँ कि जो इसका पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत ही शानदार रिजल्ट आया, वहाँ पर कोई भी प्योरिटी मेरे को लग रहा है नहीं ली गई, वहाँ जो पास थे वो पास कर दिए गए थे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पूरी इसके, अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, हम टेलीग्राम पे ये PDF डाल देंगे, क्योंकि वहाँ पे देख सकते हो कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, वहाँ पे इसकी पूरी PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे एज कैटेगरी देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आपका फिजिकल है, मेडिकल के बारे में, और RT-PCR टेस्ट आपको लेके जाना है इस भर्ती में, ठीक है। यहाँ पे बता दूँ कि इन्होंने दिया हुआ है कि RT-PCR टेस्ट जो आपको करवाना होगा, ठीक है। यहाँ पे विद इन 3 डेज RT-PCR टेस्ट, ठीक है। इशू ऑफ द विद इन मोर 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, COVID-19 का। तो यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते टेलीग्राम से, और पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको वहाँ से। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।